सत श्री अकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का। पंजाब इस वेले वेख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ गगनदीप सिंह लैके हाजिर हाँ। पंजाब इस वेले दे विच पंजाब दीआं ताज़ा खबरां रुख सब तो पहलां करांगे नवजोत सिंह सिद्धू की हाईकमान दे नाल हुई बैठक दे वाल। जी हाँ, नवजोत सिंह सिद्धू ने बैठक की है हाईकमान दे नाल। चर्चावां सी कि दो दिन लगातार बैठक चलनियाँ तो होया भी इस कदर है। पहले दिन दीआं बैठकां गुप्त रहीआं पर दूजे दिन दीआं बैठकां जनतक होके चलियां। सवेर हुंदिया ही नवजोत सिंह सिद्धू तकरीबन 8 बजे प्रियंका गांधी दे नाल मुलाकात की आरंभता करते हैं, जिस तो बाद 4 घंटे के करीब प्रियंका गांधी दे नाल मुलाकात चलती है। तो उस तो बाद देर शाम नवजोत सिंह सिद्धू राहुल गांधी के कोल पहुँचते हैं। राहुल गांधी के नाल भी तकरीबन देर रात तक मुलाकात चलती है, 2-2.5 घंटे के करीब चली। इस मुलाकात तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू बाहर आते हैं तो उस वक्त तस्वीर तुहानू सारियां विखा रहे हैं जो नवजोत सिंह सिद्धू मीटिंग के बाहर आए हैं। लगातार पत्रकारों ने सवाल पूछा कि होगा हुण नवजोत सिंह सिद्धू की करके आए ने अंदर, पर नवजोत सिंह सिद्धू ने गड्डी दे विचों ही हाथ जोड़े तो गलबात जिहड़ी आ मीडिया कर्मियों के नाल नहीं की। सो अज दे नवजोत सिंह सिद्धू के ट्वीट बहुत चर्चावां दे विच रहणगे, क्योंकि हाईकमान दे नाल बैठकां दे विच चर्चावां सूत्रां दे हवाले दे नाल इह भी सामने आईआं सी कि जिस वक्त राहुल गांधी के घर के नवजोत सिंह सिद्धू मौजूद से उस वक्त सोनिया गांधी भी अपने आवास स्थान के उत्तों राहुल गांधी के घर पहुँचते हैं। राहुल गांधी के घर पहुँचे सोनिया गांधी की भी चर्चा जी बाहर आ रही है कि राहुल गांधी तो सोनिया गांधी ने इकट्ठिया नवजोत सिंह सिद्धू के नाल कल शाम की चर्चा की है। सो ये साफ है कि बहुत जल्द नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर हाईकमान फैसला कर जा रही है। तो जेकर नवजोत सिंह सिद्धू के उत्ते फैसला होना है तो इस नवजोत सिंह सिद्धू के हक के होएगा, क्योंकि जदों नवजोत सिंह सिद्धू प्रियंका गांधी के मुलाकात करते हैं उस तो तुरंत बाद ही नवजोत सिंह सिद्धू के वल्लों एक ट्वीट किया जाता है तो उस ट्वीट के जवाब दिता जाता है सुखबीर सिंह बादल। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ठोकमा जवाब देंदे ने नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू ने सुखबीर सिंह बादल के उस बयान का जवाब दिता है, जिसके सुखबीर सिंह बादल ने नवजोत सिंह सिद्धू नू पंजाब दी सियासत दी मिसगाइडेड मिसाइल दसिया सी। मिसगाइडेड मिसाइल मतलब जिसनू कुछ ना पता होवे। या नवजोत सिंह सिद्धू एक मिसगाइडेड मिसाइल है जिहदा कोई कंट्रोल नहीं है, कितने मर्जी डायरेक्शन हो सकती है, कितने मर्जी वज सकती है, अपने ते ही वज सकती है। कला सोचता कि मैं भाषण ए एक्टिंग करके अज पंजाब नू एक्टिंग लानी चाहिए, पंजाब नू एक सोबर बंदा चाहिए जिहड़ा पंजाब की अगवाई कर सके, पंजाब नू अगे ले जा सके, पंजाब की डिवेलपमेंट सोच सके। कल्ले ड्रामिया नाल नहीं होना पंजाब बचना। तुसी देखिया साहब प्रकाश सिंह बादल दी राज 5-10 साल सी, तुसी अमृतसर मैं बैठा गुरु की नगरी बैठे, कोई प्रेस वाला नहीं दस सकता कि पिछले 4 साल एक इट लगी हुई। जिहड़ियां मैनूं दुख हुंदा जदों मैं ड्राइव करदा हां, जिहड़े बूटे लाए सी ओह मच गए है, जिहड़ियां सड़कां बणाईआं सी जिहड़े मैं कुछ चीज़ां सारे तुसीं देखो टुट्टे पए है। तो इस करके जिवें आ हैरीटेज स्ट्रीट है किन्नी वधिया बणाई सी ते हुण जिवें लावारिस जी फिरदी है। इस करके आपां नूं अगवाई चाहीदी है लीडरशिप दी जिहड़ी पंजाब नूं अगे लै के जा सके। हुण बहुत साल आपां बर्बाद कर ले पिछले भाषणां नाल। इस तो बाद वड्डा धमाका होना सुभाविक सी, क्योंकि ट्विटर के उत्ते जेकर कोई नवजोत सिंह सिद्धू नूं कुछ कहिंदा है तो कुछ ही पलों के उसनूं उसका जवाब नवजोत सिंह सिद्धू दे देंदे ने। सो इसे कदर उदों भी होया नवजोत सिंह सिद्धू ट्वीट के विचों बैक ट्वीट करते हैं तो जवाब देंदे ने सुखबीर सिंह बादल होना। सुखबीर सिंह बादल नूं जवाब के विचों कुछ लिखिया तुसीं वेख सकते हो। इस दे विच एक होटल का जिक्र आता है, नाम मैं नहीं लवांगा उस होटल का, सुखबीर सिंह बादल दे नाल संबंधित होटल है, पंजाब की सियासत दी चर्चावां दे विच रहिंदा है। उस नूं लैके नवजोत सिंह सिद्धू लिखते ने कि मैं जदों तक इन्हां होटलां दे विच सरकारी हस्पताल ते इन्हां दे विच सरकारी स्कूल नहीं बना दिंदा उदों तक मैं चुप नहीं बैठांगा, पिछे नहीं हटांगा। यह साफ है कि भ्रिष्टाचार के उत्ते नवजोत सिंह सिद्धू ने सीधा तंज कसिया। नवजोत सिंह सिद्धू बहुत वड्डे एक्शन मूड दे विच ने, इस तो सुभाविक है जो प्रियंका गांधी दे नाल बैठक हुई है उस दे विच नवजोत सिंह सिद्धू नूं ताकत मिली है, उस दे विच नवजोत सिंह सिद्धू दे मोढ़े ते थापड़ा रहा है। इसे तो बाद ही नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट जिहड़ा है वह किया है। सो राहुल गांधी की मुलाकात तो बाद फिलहाल तक कोई ट्वीट नहीं आया, जो ट्वीट आएगा वह भी बहुत चर्चा का विषय रहने वाला है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू मीटिंग के बारे जरूर जरा मीडिया के नाल गलबात सांझी करनगे।
उधर सुखबीर सिंह बादल भी एक्शन मूड दे विच ने। सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब सरकार के प्रबंधों के उत्ते सवाल चुके है। दरअसल सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों ब्यास दरिया के उत्ते चल रही रेत की माइनिंग नूं लैके रेड पाई गई। रेत की माइनिंग के उत्ते पाई इस रेड के विच सुखबीर सिंह बादल ने कई कच्चे चिट्ठे खोल दिते। सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि बहुत डूंघे संबंध इस रेत माइनिंग के ने। सो रेत की गैरकानूनी माइनिंग इसनों दसिया गया है। खुद उस स्थान के उत्ते खड़ के मीडिया के नाल गलबात की है सुखबीर सिंह बादल ने। ਕਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਡੀਸਲਟਿੰਗ ਦੀ ਸਿਕੰਦਰ? ਓਕੇ, ਡੀਸਲਟਿੰਗ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਭੱਜ ਕਿਉਂ ਗਏ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇਖੋ ਟਰੱਕ, ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿੰਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਆ। ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। 2017 ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਨੀ ਮੀਡੀਆ ਰਹੇ ਕਿ ਆ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਭੱਜੇ। ਉਧਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵਿਰਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। पर उधर दूजे पासे राजकुमार वेरका ने कई सवाल चुके ने इस के उत्ते, खास तौर के उत्ते प्रैस कॉन्फ्रेंस की है राजकुमार वेरका ने। मैं कल दिल्ली दे विच ये गल चैक करने वास्ते गया कि पंजाब दे विच अरविंद केजरीवाल जी बिजली का मॉडल लेके आ रहे हैं और कल जिवें बिजली का मॉडल लेके उन्होंने अनाउंसमेंट की ते दिल्ली दे लोगां दे विच हाहाकार मच गई। दिल्ली दे लोगां ने कहा कि केजरीवाल ये हुण दिल्ली दा फ्राड ये हुण पंजाब च लै के जा रहा है। मैं ये गल ये लिखती रूप दे विच मीडिया दे सामने ये लै के आ रहा। जिहड़ा केजरीवाल ये गल कह रहा है कि जीरो बिल आउंदा, मैं पंजाब दे दोने नोटिफिकेशन ते ए दिल्ली दा अपना नोटिफिकेशन ए तुहाडे सामने ए दोने चीज़ां पेश कर रहा। मैं तुहानू ए भी गल कहना चाहना कि जिहड़ा फ्राड ए केजरीवाल कर रहा है, केजरीवाल फ्राड कर रहा है भाई, जिहड़ा हज़ारां करोड़ रुपए दा फ्राड जिहड़ा दिल्ली दे लोगों ने दस्सिया, इंडस्ट्री वाले ने दसिया मैनू, होटल वाले ने दसिया मैनू और उत्थे आम लोगों ने दसिया कि हज़ारां करोड़ रुपए का ये अरविंद केजरीवाल ने ये फ्राड दिल्ली के लोगों ने किया है, बिजली कंपनियों ने नाल मिलके ये फ्राड होया। जड़ा कि मैं थोड़े कैमरे के उपर चैलेंज करके ये केजरीवाल नू कहन जा रहा कि जे तेरी हिम्मत आ ते मेरी गल का जवाब दे, एक कवे कि मैं झूठ बोल रहा। मैं तुहानू यह गल कहन वास्ते आया। उधर अकाली दल के सीनियर आगू डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा के वलों भी इस मौके उत्ते प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने बिजली नूं लैके सवाल चुके ने। उन्हों का कहना है कि 300 यूनिट तो बाद बिल बहुत लोगों का पंजाब के आता है, 300 यूनिट तो बाद पंजाब के लोगों को लुट्ट का कारोबार शुरू हो सकता है केजरीवाल की सरकार के। उन्हों का कहना है कि पंजाब के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। श्रोमणी अकाली दल ने ये तो कहें उदों भी असं अनाउंस किया सरप्रस करा, कहते हो ही नहीं सकता। सरप्रस करके दिखाया सारा पंजाब का ट्रांसमिशन का सिस्टम ओवरहाल किया, सारे ग्रिड ओवरहाल किए, सारे ट्रांसफार्म रिप्लेस किए। किड्डा वड्डा काम सी, 11 करोड़ की इनवैसटमेंट पंजाब दे विच बोर्ड की अनबंडलिंग की श्रोमणी अकाली दल ने की बड़े आराम दे नाल। इस करके जिहड़ी पार्टी इन्ना कुछ कर सकती है, इन्हां कोल तां सिस्टम ही नहीं मैनेज हो रहा। हुण किन्ने किन्ने कट लगते हैं बिजली दे, 8 घंटे किसानों नूं देखो किन्ने धरने लाने पै रहे, तो कुछ करना पै रहा, घरां दे विच किन्ने किन्ने लम्मे कट करने पै रहे।
जे असी सिस्टम बना के गए से असी सिस्टम चला के भी दिखाया, एक मिनट कितने बिजली नहीं नहीं सी जाती साढ़े टाइम के उत्ते। ये मिसमैनेजमेंट है कि ना मुख्यमंत्री दफ्तर च बैठे, ना कोई मंत्री दफ्तर च बैठे, ना कोई अफसर दफ्तर के बैठे, ना कोई लोगों की फीडबैक लवे, ना कोई टाइमली मीटिंग करे कि हुण जिहड़ी आ पहला जिहड़ी हैगी आ कि जिहड़ी आ अगों पैडी आने वाली है उसके वास्ते तैयारी करनी है। जो प्लैनिंग नहीं करोगे तो फिर यही हाल होना। केजरीवाल कहो कि वो सांझ गण कि कंपनियां ना दिल्ली 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 बिजली डोमैसटिक बिजली का रेट अपने नालों ज़्यादा है, इंडस्ट्री का रेट अपने नालों ज़्यादा है। तो सस्ती जे दिल्ली सस्ती करते पहले तो फिर गल करे पंजाब की ना। दिल्ली 200 यूनिट तुसीं माफ़ किए हैं पर 200 तो एक यूनिट 200 तो तुसीं एक एसी ला लो एक पखा ला लो 200 तो वध टप जाएंगे तो फिर 200 दे भी देने पैंदे है पानी। वो दसा की है केजरीवाल एक बहुत वड्डा फ्रॉड है, वो कहिंदा कुछ है लुकोंदा ज़्यादा कुछ है, उत्ते गल कुछ होगी असलियत थले कोई होगी। उन्हें क्यों नहीं किया कि मैं जे 300 तो उत्ते होणगे तो सारा देना पेगा, कला आके कहता जो पूछा प्रेस ने फिर फस गया। जे दिल साफ हुंदा उहदा कहिंदा कि 300 तक है पर 300 दे एक होगा फिर सानू सारा देना पेगा, क्यों नहीं कहिंदा। पेट्रोल डीजल दे रेट लगातार वध रहे, पेट्रोल 100 रुपए पार हो गए। सीएम एक दिल्ली दा सीएम कह रहा कि किसानों ते सवाल कीता गया थी बीजेपी तो कहना शायद दिल्ली च किसानों दी बिजली उन्हें पता ही नहीं, उन्होंने को पता करके जाओ। मैं तुम्हें दिखाऊंगा ट्यूबवैल, मैं तुम अज के दिन किसी जाऊँगा किसानों बिजली का बिल उ ट्यूबवैल का बिल मैं लगता पता किन्ने हज़ार रुपया एक ट्यूबवैल मगर देना पैंता। पेट्रोल डीजल रेट बहुत बढ़ रहे पंजाब 100 रुपये तो पार हो गया। मैं वही कहना चाहना कि सेंटर सरकार ते पंजाब सरकार पेट्रोल ते डीजल ते हुण पैसा नहीं कमाना चाहिए। जे चाहे पंजाब सरकार ते सेंटर सरकार घट तो घट 30 रुपये कट सकता घट तो घट। हुण की हो रहा मैं रिकॉर्ड देख रही पंजाब सरकार ने पिछले 8-9 महीनों के अंदर 1,000 करोड़ रुपया वध कमा लिया आ बिजली दे अपने पेट्रोल ते डीजल रेट करके। क्यों नहीं 500 घटाते, उवें ही सेंटर सरकार लगी है। हुण तां उन्होंने सोचा कि लोग बोलते नहीं तो वधाई चलो तो असीं हुण पैसा खजाना भरी चलो। एक पास जिथे पंजाब के किसानों के वलों ज पूरे मुल्क के किसानों के वलों भाजपा के आगुआ का विरोध किया जा रहा है, कालियां झंडियां विखाईया जांदियां ने, सवाल जवाब घेर के किए जाते हैं, उधर दूजे पास इस तरह का ट्रेंड हुण पंजाब दे विच कांग्रेस नूं लैके भी तुर पिया। पहला राजा वड़िंग का घिराओ किसानों के वलों किया जाता है, तो हुण धर्मसोत का विरोध किया गया। धर्मसोत नूं घेर के कैबिनेट मंत्री ने पंजाब के साधु सिंह धर्मसोत जिन्हां नूं घेर के किसान बीबी के वलों सवाल किए गए ने। बीबी ने सवाल बड़े तिखे शब्दों के विच कीते ने, उन्होंने कहा है कि जो तुसीं वोटां लैण आए सी उस वक्त तुहाडे नाल सिक्योरिटी नहीं सी, पर हुण इहो जिहा की खतरा है तुहानू कि तुसीं सिक्योरिटियां लैके घूम रहे हो। सवाल सुनो बीबी कह की रहे ने। उधर रवनीत बिट्टू अते हरदीप पुरी दे वल्लों अकाली दल अते बसपा के गठजोड़ के उत्ते दिते गए बयान लगातार चर्चावां दे विच ने। हालांकि रवनीत पिट्टू दे वल्लों दिते गए इस विवादित बयान के उत्ते अपने वल्लों स्पष्टीकरण भी दिता गया, तो SC/ST कमिशन के कोल जाके अपना माफीनामा भी दर्ज करवाया गया, पर इन्हां दे उत्ते वड्डे एक्शन की मांग की जा रही है, जिसनों लैके बसपा दे वल्लों रोपड़ दे विच एक वड्डी रैली कटी गई। बसपा की इस रैली दे विच अगवाई कर रहे थे बसपा के पंजाब प्रधान जसवीर सिंह गढ़ी, जिन्हों का कहना है कि जदों तक इन्हों के उत्ते कार्रवाई नहीं होंगी उदों तक असी वक्खो वक्खरे प्रोग्राम उलीकते रहेंगे। चांदनी चौक तो चुक के श्री आनंदपुर साहब तक लिया शीश चुक के लेके आने दल समाज के लोग गैर पंथक किता होगा। शीश चुक के लियाने वाले लोग श्री आनंदपुर साहब के वारस क्यों नहीं बन सकते। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने दलित समाज नू बाबा जीवन सिंह जी नू रंगरेटे गुरु के बेटे का खिताब दिता, लेकिन कांग्रेस भाजपा रवनीत बिट्टू ते हरदीप पुरी ने ये कहा कि आनंदपुर साहब श्री आनंदपुर साहब की सीट बहुजन समाज
समाज को क्यों दे रही थी। जे बहुजन समाज को, दलित गरीब समाज को दशमेश पिता रंगरेटे गुरु के बेटे कह सकता है, तो अज असी जवाब मंगण आए हैं कांग्रेस को, भाजपा को, ते पंजाब दे लोगों को दसण आए हैं कि दशमेश पिता के बेटे श्री आनंदपुर साहब की सीट के वारिस क्यों नहीं हो सकते। उधर बीती 26 जून को किसानों के वलों चंडीगढ़ के प्रदर्शन किया गया, जिस प्रदर्शन तो बाद कुछ पंजाब के नामी गायक कलाकार फिल्मी अदाकारों के उत्ते मामला दर्ज किया गया, नाल ही किसान आगुओं के उत्ते भी मामले दर्ज हुए हैं, जिसन लैके किसान आगू और सिद्धूपुर किसान यूनियन के आगुओं के वलों चंडीगढ़ पुलिस हैडक्वाटर के जाके अपना मंग पत्र दिता गया, तो इन्होंने सारे परचे रद्द करने की गल आखी गई है। उन्होंने कहना है कि जेकर परचे रद्द नहीं होंगे तो एक वक्रा संघर्ष साढ़े वालों उलीकिया जाएगा। दिल्ली दिया बरूहां ते असी बैठे हाँ 7 महीने तो अपने घर बार छड़ के सारे उत्थे बच्चों छड़ के परिवार को छड़ के मावां पैणा साड़ियाँ बजुर्ग असी रुल रहे सड़कों उत्ते, पर भारत की सरकार के उत्ते कोई रत्ता पर भी असर नहीं हो रहा। देश की होंद अज खतरे दे विच है, पूरा आवाम आम आवाम भी अज संयुक्त मोर्चे नाल खड़ा हो चुका है, पर फिर भी भारत सरकार के सिर पर ज्यों नहीं सरकरी। उस तहत संयुक्त किसान मोर्चे वालों एक कॉल दी गई सी कि 26/6/2021 पूरे भारत के राज्यों के राज्यपाल राही राष्ट्रपति को मंग पत्र दिए जाएंगे, कोई यह 3 काले कानून खारज किए जा। सो उस तहत पंजाब भर तो वड्डा काफिला चंडीगढ़ के राजभवन में राज्यपाल को मेमोरेंडम देने आया सी, और बिल्कुल असी पीसफुली सारिया जथेबंदियां इतने साडे किसान आगू पहुँचे ने और पीसफुली असी बिल्कुल असी वापस गए हाँ, जबकि प्रशासन ने भी इस गल की प्रशंसा की भाई किसान आगू किसान बिल्कुल सही अपना मेमोरेंडम दे के वापस गए ने, कोई इत्थे लाठीचार्ज नहीं होया, किसी की अरैसट नहीं हुई, पर बाद दे विच दबा दे हेठ साडे किसानां ते किसान आगुआं ते फिल्म अदाकारां ते जो साडे कलाकार सिंगर भाईचारा जो साडे नाल खड़ा सी उन्हां ते झूठे परचे दर्ज किए गए ने। सो असी इन्हों अज SSP साहब नूं मंग पत्र देण आए आ भाई ये जो परचे खारज किए जाण, क्योंकि ये संविधान को छिके टंग के लोकतंत्र का घाण करके ये परचे किए गए हैं। सो ये परचे बिल्कुल गलत ने, सो अगर ये परचे 5 दिन के अंदर अंदर इन्होंने एक्शन लैके स्टे करके खारिज ना किया गया तो असी रोस प्रदर्शन चंडीगढ़ के वधा देंगे, रोस मुजहरे वधा देंगे चंडीगढ़। उधर किसानों के प्रदर्शन के चलद कारपोरेट घराणियों के वलों खोले गए पंजाब वड्डे वड्डे स्टोर के बंद होने के उत्ते स्टोर के बिल्डिंग मालकां का कहना है कि सानू बहुत वड्डा नुकसान हो रहा, साडियां किस्तां बैंकां दियां नहीं उतर रही, क्योंकि सानू उदों तक किराया नहीं आएगा जदों तक इन्हां दे स्टोर खुल के नहीं चलते। सो इस नूं लैके उन्होंने अपील की है, पहलां लुधियाणा दे विच प्रैस कॉन्फ्रेंस की सी ते किसान आगुआं दे नाल मुलाकात हुई सी, ते उस तों बाद अज पंजाब दे मुख्यमंत्री तक गुहार लैके पहुँचे ने पंजाब दे विच कारपोरेट घराणियां दे स्टोरां दे बिल्डिंग मालक। तो साड़ी मंग है जदों के अक्टूबर तो किसानी संघर्ष तो जोड़े धरने लगे हुए हैं उस तो साढ़े सारे स्टोर बंद है, क्योंकि असी कारपोरेट्स दिते अपने जो बिल्डिंग्स ने कारपोरेट्स लीज दी है अपने, तो किसानों ने धरने करके उदों के काम ठप्प पए ने, तो साढ़े कॉन्ट्रैक्ट इदा के जिन्हें देर असी बिल नहीं GST समेत उन्होंने बिल नहीं देंगे तो उन्नी देर साढ़े किराया नहीं आते, स्टोर बंद होने करके ना असी बिल दे पा रहे हैं तो ना वो सानू किराया दे पा रहे हैं, तो साढ़े जोड़े कॉन्ट्रैक्ट ने है भी इदा के कि जिनी देर स्टोर खुलता नहीं सानू किराया नहीं आता, सानू दोवां पासों मार झलनी पै रही है। असी यह जी बेनती किसान जथेबंदियों नूं 3 अप्रैल में भी कर चुके सन प्रैस कॉन्फ्रेंस के लुधियाने से, उत्थे भी उन्होंने बंद कमरे साडे नाल मीटिंग की सी, ते सानू भरोसा दिया कि साडा कोई हल किया जाएगा, पर हजे तक 9 महीने हो गए कोई साडा हल नहीं किया, कोई सुनवाई नहीं हुई। असी इन्हां इंडिविजुअल नूं जिहड़े किसान जथेबंदी जिहड़े लीडर ने जे कि बूटा सिंह बुरजगिल जी हो गए होर हो गए सारों असं मुलाकातें कर चुके हैं, पर किसी ने साड़ी हद तक बाह नहीं फड़ी हैगी, तो हुण असीं सरकार नूं अपील करते हैं, तो ताडे जरिए किसान जथेबंदी नूं अपील करते हैं कि साडा कोई कसूर नहीं गा, साडा रिलायंस ना कोई लेना देना नहीं, कोई किसी कारपोरेट ना कोई लेना देना नहीं, साडा असी तो बिल्डिंग साडा तो किता ही यही है, बिल्डिंग बनाने किराए चाड़ देना साडा किता यह है, जिंदे हुए किश्तां सानू भरनी पैनी, बैंकों की किश्तां असी भरनियां ने, वह साडियां औखियां पईयां ने, कुरकी साडी कईयां दी होण वाली आ, तो मुश्किलों का सामना सानू करना पै रहा, इसे सारे नूं बेनती किसान जथेबंदियों नूं भी तो सरकार नूं भी कि साडा कोई ना कोई जल्दी जल्दी हल किया जाए। जी जे तो आप है कई यहोजे स्टोर ने साउथ उत्ते जिन्हें चाहे ओपनिंग भी नहीं हुई हैगी, 6-7 महीने तो बंद पे ने, जिहड़े पहला बंद जो आप टोटल लाइए तो 200 उत्ते स्टोर होएगा जी सारा। उधर किसान अंदोलन लैके बयान आया है, तो बयान है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का। मनोहर लाल खट्टर ने
किसान अंदोलन लैके एक बार फिर विवादित टिप्पणी की है, जिसनों लैके किसानों के भी काफ़ी रोह पाया जा रहा। मैंने बताया कि जो आंदोलनकारी बैठे हैं वो वास्तव में किसान नहीं है। वास्तव में जो किसान है वो इन नियमों से, इन कानूनों से कोई एतराज नहीं उसको। ये केवल राजनीतिक तौर के ऊपर चीज़ों को आगे बढ़ाए हुए हैं। पंजाब के अंदर चुनाव आ रहा है, पंजाब की टीम तो इसलिए लगी है, हमारे यहाँ तो कोई चुनाव वनाव है नहीं। लेकिन केवल जिसको कहना चाहिए कि पॉलिटिकल एक एंगल से सरकार को बदनाम कैसे किया जाए, कांग्रेस पार्टी इनका सहयोग कर रही है। कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है। कुछ और जिन लोगों को लगता है कि पॉलिटिकली हमको इस नैया के ऊपर बैठ करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ नहीं पाएंगे। क्योंकि आज जितने मुट्ठी भर लोग हैं, अभी बहुत बड़ी संख्या में नहीं है। अब कोई हमसे पूछ सकता है, अगर मुट्ठी भर हैं तो फिर आप उनका मुकाबला कार्यक्रमों के माध्यम से क्यों नहीं करते? भले मुट्ठी भर हैं तो भी अपने हैं, तो भी हमसे टकराव नहीं चाहते। लेकिन सर वो कानून को तो हाथ में ले रहे हैं। नहीं नहीं लिया, लेकिन उसके बाद हमने उसको चेक किया तो उन्होंने आखिर में जींद में लिख करके दे दिया टोहाना में कि हम जो है कानून में हाथ में नहीं लेंगे। और जब कानून हाथ में लेने की कोई बात करता तो उसका ये अच्छी बात है कि वो निंदा भी खुद करते हैं। नहीं नहीं सब वो लिख के दिया, वो तो मीडिया में छपा है, बात हुई कि नहीं तो उन्हीं के साइन है, दो आदमियों के साइन उन्हीं की ओर से है, ये आप देख लीजिए उन्होंने कहा है कि नहीं कहा है। वहाँ पे जो स्थानीय लोग अभी इकट्ठा हो रहे हैं, रास्ते बंद हैं, तो सिचुएशन में टकराव ना हो आपस में, तो इसके लिए मैंने बताया कि हम अभी पंचायतें जो कर रही हैं उनसे बातचीत, उनकी बैठकें होती हैं, मीटिंग होती हैं, उन्होंने एक रास्ता खोलने की बात कही है और मुझे लगता है कि अब खुल जाना चाहिए रास्ता बहुत जल्दी। अब वो उस रास्ते को बंद रखने के लिए कोई ताकत भी नहीं बची है उनके पास। मैंने रविशंकर जी, हमारे जो जयशंकर जी विदेश मंत्री, उनसे बातचीत की थी, इस बार मुझे मिलना था, वो विदेश गए हुए हैं। बाद में जो विदेश राज्य मंत्री हैं मुरलीधरन जी, उनसे मेरी बात हुई है, वो अभी दो दिन बाद आपस में मिलने वाले हैं। गंभीरता से उन्होंने इस विषय को लिया हुआ है, अपने हाई कमीशन में बात उन्होंने की है कि हाई कमीशन उसके अंदर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ इशू को टेकअप करे और टेकअप करने के बाद जो वहाँ के कानून के हिसाब से अगर कहीं किसी ने दोष किया है तो उसका भी फैसला कर दें। अब कोई दोष ऐसा तो कुछ है नहीं, आपस में दो वर्गों का टकराव हुआ, खालिस्तान के नारे लगाने के बाद विशाल जूड ने तिरंगा झंडा उठा करके उनका विरोध कर दिया। इतना ही एक दोष विशाल जूड का है कि उसका उस समय वीजा समाप्त हो चुका था, तो वीजा समाप्त हो चुका था तो उसको रिपोर्ट कर देना चाहिए, वापस भेज देना चाहिए। उस घटना में दोष नहीं है कोई विशाल जूड का। उधर पूरे मुल्क दे विच पेट्रोल अते डीजल दीआं कीमतां सैकड़ा पार कर चुकीआं ने। पंजाब दी गल करिए तां पंजाब दे विच पेट्रोल 100 रुपए तो उपर हो चुके है, डीजल 92 रुपए तो उत्ते है, जिसनों लैके आम लोग तरा तरा कर रहे हैं, तो लोगों के वलों भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उधर सियासी तरह के वलों भी देश की मौजूदा सत्ताधारी मोदी सरकार को घेरिया जा रहा है। उन्हों का कहना है कि देश के विच पेट्रोल दीआं इह कीमतां देश की GDP के थले डिगण का सब तो वड्डा कारण ने। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਤੇ, ਅੱਜ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ 100 ਰੁਪਈਆ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋਨ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਲਕੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਤੰਜ ਹੈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਿੰਨੇ ਤੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ 1-2 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਲੋਨ ਕਿਉਂ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਰ? ਲੋਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਤੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿਓ ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।